देवरती जी फार्म विजिट करने आई थी, लेकिन इन्होंने जब मुझे बताया कि ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इनका इंटरेस्ट पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन में है और भैंस का दूध बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने इनको बिठा ही लिया और अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही एक्सप्लेन करिए, व्हाट डू यू मीन कि भैंस का दूध अच्छा नहीं है? भैंस का दूध अच्छा नहीं है इन द सेंस, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो बच्चे जब 6 महीने की उम्र तक होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी कुछ कुछ इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस में है कि उनको काऊ मिल्क दिया जाता है या फिर भैंस का घर का भैंस का दूध दिया जाता है, दैट इज़ नॉट हेल्दी। मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क, ठीक है। तो 6 महीने तक दूध पिलाते हैं, तो अभी जब वीन का टाइम होता है ना 6 महीने के बाद से, तब वो लोग काऊ मिल्क या फिर भैंस का मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क देना शुरू करते हैं एक्सेस, एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस और बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो गाय के दूध गाय के बच्चे के लिए है, उसमें जो फैट कंटेंट या फिर कोई भी मिनरल कंटेंट रहता है वो गाय के बच्चे के लिए बेस्ट है। इंसान का बॉडी डिफरेंट है, तो उसके लिए वो गाय का दूध बच्चों में, इंसान के बच्चे में अच्छा नहीं होता है। दूसरी जो चीज़ है, उसमें जो फैट कंटेंट रहता है ना गाय के दूध में या फिर भैंस के दूध में, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इंसान के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आज के दिन में आप जो चाइल्डहुड ओबेसिटी देख रहे हो, मोटापे देख रहे हो, बच्चों में भी होता है, वो वाले के मेन रीज़न होते हैं ये वाली जो गाय के दूध या फिर भैंस के दूध पिलाए जाते हैं बच्चे को, ठीक है। उसके साथ बाद में जो भी फास्ट फूड कल्चर होता है, दैट इज़ लाइक एन एड ऑन, लेकिन शुरुआत इसी से होती है। और दूसरी चीज़ है, ये बहुत माओ को मैंने सुना है, बहुत कंप्लेन करते हैं कि बच्चा खाता नहीं है, खाता नहीं है तो उसको और दूध पिलाया जाता है कि एटलीस्ट उठ जाए, बट ये खाता नहीं है। इसका एक रीज़न ये होता है कि गाय के दूध से बहुत ब्लोटिंग होती है, तो ब्लोटिंग जब होता है तो पेट थोड़ा भरा भरा फील होता है, तो बच्चे कुछ खाने का उसको मन ही नहीं करता है, तो वो एक विशेष साइकिल हो जाता है। विशेष साइकिल की यानी कि माँ उनको दूध पिलाते हैं, उसके लिए ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग के लिए भूख नहीं लगती है, उसके वजह से क्योंकि और कुछ नहीं खा रहा है और दूध पिलाओ, और ब्लोटिंग है। और ब्लोटिंग और वही होता है, और उसके वजह से जो बाकी न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं वो वाला और भी ज़्यादा हो जाता है। एंड बाय द टाइम माओ को लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, ऑलरेडी मतलब 2-3 साल बीत जाते हैं, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये वाला एक मेन प्रॉब्लम है गाय के दूध से और भैंस के दूध से, जो आई हैव टू सी। तो ऐसा नहीं कि भैंस का दूध कोई खास खराब है, भैंस हो या गाय, मतलब माँ का दूध नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो फिर बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? तो न्यूट्रिशन देखिए, माओ को मेनली आपका कंसर्न ये होता है कि आपको एनर्जी जानी चाहिए, आपको कैल्शियम जानी चाहिए, आयरन जानी चाहिए, सारे मिनरल्स जाने चाहिए बॉडी में। तो उसके लिए जितना माँ का दूध जाता है दैट इज़ सफिशियंट अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। उसके बाद से आपको धीरे धीरे सारे सीरियल एंड पल्सेस शुरू करने और प्रोपोर्शनेट में धीरे धीरे शुरू करने। अगर कोई भी बच्चा सारे सीरियल पल्स हो, सारे तरह की दाल हो, अपने यू नो लोकली अवेलेबल जो भी मिलता है पल्सेस, वो अगर प्रोपोर्शनेट खाए, एंड स्पेसिफिकली एक रूल होता है कि आप अगर फर्मेंट कर पाते हो या फिर सोक कर पाते हो, डेली बनी वो बनने वाली जो भी आप चावल खाते हो या फिर दाल या फिर राजमा जो भी, वो ओवरनाइट सोक करें, तो बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एंटी न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं, सिग्निफिकेंटली उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो जो भी आपको जो भी मिनरल चाहिए, जो भी एनर्जी चाहिए, वो आसानी से अवेलेबल होता है वो सेम अमाउंट खाने में। तो इसीलिए सोकिंग एंड फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चावल भी सोक करके रखना चाहिए ओवरनाइट? हाँ, चावल भी अगर सोक करे तो अच्छा है, और कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है उसमें, दैट इज एडिशनल बेनिफिट। और ये एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हाँ, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली, जो भी आप सीड्स देखते हो ना, सारे दाने के बाहर एक लेयर होता है जिसको एंटी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो प्रोटेक्टिव चीज़ होती है वो सीड के लिए, ताकि कोई इंसेक्ट आके खा ना ले वो सब। तो हम जब खाते हैं तो वो एंटी न्यूट्रिएंट का प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी हम मिनरल्स हम अब्सॉर्ब करने वाले हैं, वो एंटी न्यूट्रिएंट उसको बाइंड कर देता है और वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, कि कितना परसेंट आपके बॉडी में एक्चुअली में जा रहा है खाने से, तो वो वाला कम हो जाता है अगर आप वो एंटी न्यूट्रिएंट का मात्रा अगर ज़्यादा रहता है कोई भी खाने में। तो अगर राजमा पकड़ लो, छोले पकड़ लो, नॉर्मल दाल भी पकड़ लो, वो अगर आप सोक करते हो और वो पानी डिस्कार्ड कर देते हो, वो एंटी न्यूट्रिएंट का मात्रा बहुत कम हो जाता है।
तो आपकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मतलब वो सब्सटेंस और मिनरल्स वो बढ़ जाती है. थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते होंगे इस प्रोसेस में. हाँ, इस प्रोसेस में माने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते हैं उससे, क्योंकि वो अंदर रहते हैं, सीड के अंदर रहते हैं सारी अच्छी चीज़ें, और बाहर में जो भी कोटिंग है ना उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, तो वो सोकिंग के दौरान वो पानी में आ जाता है और आप पानी ऐसे भी डिस्कार्ड कर देते हो कुकिंग के टाइम. और सोकिंग से कुछ ऐसा भी होता है ना कि एंजाइम्स एक्टिवेट, एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं. यस, तो हाइड्रेशन, कोई भी आप सीड से अगर कोई पेड़ अगर होता है तो उसको पहले हाइड्रेशन चाहिए, बहुत सारी पानी चाहिए. वो पानी सोक करने के बाद अंदर में जो भी एंजाइम होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू करने में वो एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको हजम भी अच्छे से होगा, ब्लोटिंग वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को एंजाइम्स कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको हजम करनी है वो ऑटो डाइजेस्टिव प्रोसेस हो जाता है, वो एंजाइम्स वो सीड के अंदर ही जो है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, आप हजम अच्छे से कर पाते हो, ब्लोटिंग भी कम होती है. तो कुछ कुछ लोगों को ना ज़्यादा फाइबर खाने से बहुत ब्लोटिंग होती है, अगर वो ये सोकिंग एंड फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस करते हैं उनकी ब्लोटिंग भी बहुत बहुत मतलब सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है. सोकिंग तो मुझे समझ में आ गया कि भाई एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल गए, एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए, फर्मेंटेशन से क्या फायदा होगा? फर्मेंटेशन से फायदा ये होता है कि एक तो ये सेम प्रोसेस होता है एंटी न्यूट्रिएंट उसमें भी कम होता है, दूसरा चीज़ है कि फर्मेंटेशन यानी कि आप थोड़ा थोड़ी देर और ज़्यादा रखो और उसमें जो भी बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया एंड गुड फंगस है थोड़ा फर्मेंट कर देते हैं प्रोडक्ट को और थोड़ा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो डाइजेस्ट करने में आसानी होती है और प्रोबायोटिक की मात्रा भी आपके खाने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ आल्सो गुड फॉर योर गट हेल्थ. हाँ, इसीलिए तो हमारे लोगों के खाने में अचार और अच्छा या जैसे इडली भी फर्मेंटेड है. हाँ, डोसा भी पकड़ लो, सो सारी फर्मेंटेड है, तो फर्मेंटेड खाना डेली अगर खाते हो आप ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. अब खाने की बात करें, हमारे खाने की घंटी बज गई, पर एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, तो गेहूं का हम क्या कैसे करें, क्योंकि गेहूं का तो हमारे पास आटा ही बना बनाया आता है. हाँ. तो इसको तो ना हम अब सोक कर सकते हैं. नहीं, गेहूं का क्या है ना, गेहूं का जो हस्क है वो ऑलरेडी वो हस्क बाहर निकाल के आते हैं, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप वो ले सकते हो या फिर आप ईस्ट उसमें डाल के थोड़ा फर्मेंटेशन प्रोसेस करके उसको बना भी सकते हो. हाँ, जिसे हम खमीरी रोटी कहते हैं. हाँ हाँ, एग्जैक्टली, तो उसमें भी हजम करने का क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपने. आप पीपल फार्म के बारे में जानने आए थे यहाँ पे, मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया. ठीक है, थैंक यू.